अपना जीवन सफल बनाने के लिए बारह राशि वाले कैसे करें हनुमत आराधना, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब राशि अनुसार बताइए। देखिए मेष राशि के जातकों को एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। वृषभ राशि वाले रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मीठी पूड़ियां बना करके भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातक रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी को भोग प्रसाद के बाद एक सुंदर सा पान का पत्ता अर्पित करें। कर्क राशि के जातक पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी को यथासंभव भोग प्रसाद फल अर्पित करें। सिंह राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ की रोटी का भोग लगाएं। कन्या राशि के जातक रामचरितमानस के लंकाकांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के 6 दिए जलाएं। तुला राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातक हनुमानाष्टक का पाठ करें, हनुमान जी को गुड़ वाले चावल बनाकर भोग लगाएं। धनु राशि के जातक रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें, हनुमान जी को शहद कटोरी में रख करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाएं। मकर राशि के जातक रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें। कुंभ राशि वाले रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी बनाकर भोग लगाएं। मीन राशि वाले हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत।